जब साइंस का मजमून पूरी तरीके से यूनिवर्सिटियों में और दूसरे तालीमी इदारों में पढ़ाया जाने लगा, तो एक नया कंसेप्ट या एक नई सोच जो है वो पैदा हुई। क्योंकि साइंस जो है वो कवानीन के तहत चलती है, साइंस के जितने भी उलूम हैं। अच्छा, इसके जो कवानीन हैं फिर इनका तजर्बा लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है, और तजर्बे के बाद जब ये साबित हो जाता है कि यह कानून अपनी जगह दुरुस्त है, हम कई कितनी ही बार तजर्बा करें इसका यही नतीजा निकलेगा, तो वो फिर साइंस के कवानीन जो हैं वो तश्कील पाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे समाजी उलूम जितने भी थे, यानी चाहे वो सोशियोलॉजी हो, नफ्सियात हो, उम्रानियात हो, इन तमाम और तारीख भी, फिर समाजी उलूम के माहिरीन ने कोशिश की कि वो भी अपने अपने उलूम को साइंस की बुनियादों के ऊपर तश्कील दें, यानी उस उनके भी कवानीन जो हैं दरियाफ्त करें कि किस तरीके से ये मजामीन किसी किन कवानीन के तहत जो है वो चलते हैं। तो एक ये नज़रिया पैदा हुआ कि हर इल्म ने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि ये साइंस है। जैसे तारीख के बारे में भी दो मौर्रिखों में दो जमातें बन गईं, एक मौर्रिख की जमात कहती थी कि तारीख भी साइंस है, दूसरी जमात कहती थी कि नहीं, तारीख साइंस नहीं है। जो लोग तारीख को साइंस बताते थे उनकी कोशिश ये थी कि तारीख के ये जितने अमल हैं जिनका हमने जिक्र किया है, यानी तारीख अपने यानी अपने आप को दोहराती है, या तारीख है कि लाइन में सीधी जाती है, या तारीख उरूज ज़वाल के मुनाज़िल से गुजरती है, या तारीख लेफ्ट और राइट में। तो इन्होंने कोशिश की कि तारीख को भी साइंस की बुनियाद के ऊपर इसके कवानीन भी जो हैं वो दरियाफ्त किए जाएं। कोशिश तो की बहुत से लोगों ने साइंस को, लेकिन हुआ ये कि साइंस का इल्म जो है उसका तजर्बा जो है वो लेबॉरेटरीज के अंदर होता है, और तजर्बात के बाद फिर उसके कवानीन जो हैं वो दरियाफ्त होते हैं। तारीख के लिए ये चूँकि समाजी इल्म है, इसके लिए ये मुश्किल होता है कि इसके कवानीन को आप किसी लैब के अंदर इसका तजर्बा करें, क्योंकि कोई लैब नहीं होती है। बल्कि साइंस और तारीख का जो फ़र्क जो है वो होता है कि तारीख के मुताले के लिए मखतूतात होते हैं, तारीखी दस्तावेजात होती हैं, आर्कियोलॉजी के आसार जो हैं वो होते हैं, ज़बानी तारीख होती है। उनकी बुनियाद के ऊपर मतलब कि तारीख को मरतब किया जाता है या उसकी तश्कील दी जाती है। लेकिन उसके अंदर मुश्किल ये पेश आती है कि बहुत सी तारीख के दस्तावेजात जो हैं एक ही वाक़े को मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं। अच्छा, अब मुअर्रिख के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि जिस जरिए के को इस्तेमाल करके या किसी लैब के ज़रिए से वो ये साबित करे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यही चीज़ जो है वो तारीख़ी मखतूते के अंदर होती है कि तारीख़ी मखतूता भी जो है उसके भी सही या गलत होने के लिए उसके पास कोई ज़रिया नहीं होता है। यही सूरत हाल आसार कदीमा के जो दरियाफ्तें होती हैं उनके बारे में होती है। तो लिहाजा कहने को तो कोशिश की जाती है, लेकिन फिर ये कोशिश करते हैं कि साइंस को कम से कम मतलब कि उसके अंदर जो एक जैसे वाक़यात हैं उन एक जैसे वाक़यात की रोशनी में उसके कवानीन को तरतीब दी। मसलन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जंगें होती हैं, अब ये जंगें क्यों होती हैं? हालांकि जंगों के हर जंग की वजह जो है मुख्तलिफ होती है, लेकिन फिर वो उन्होंने इसकी वजह जो है दरियाफ्त की कि जंग को दो अक़वाम ये समझती हैं कि जंग के ज़रिए से उनके मसाइल का हल हो जाएगा। जंग इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि अमन के ज़माने में उनके मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी कौम को शिकस्त दे दी जाए तो शिकस्त देने के बाद उससे अपनी मर्जी की दफ़ात जो है मंजूर कराई जा सकती हैं, तो जंग इसलिए लाजमी हो जाती है। तो ये तारीख का कानून है कि जंग के ज़रिए शिकस्त देकर
अपने मतलबात को मंजूर जो है वो कराया जाए। इसी तरीके से तिजारत में ये समझा जाता है कि ताजिर जो है जो तो तिजारत करते हैं, दूर दराज के मुल्कों में जाते हैं मुनाफे के खातिर, तो ये मुनाफे के खातिर तो जाते हैं लेकिन उसके साथ ही वो दूसरे मुल्कों से उनकी मसनूआत भी लाते हैं, उनका कल्चर भी लेके आते हैं और अपने कल्चर को वहाँ छोड़ के भी आते हैं। तो ये एक नई दुनिया को दरियाफ्त करते हैं जो इससे पहले नहीं हुई थी, क्योंकि इससे पहले सयाहों ने बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त नहीं की थी जो ताजिरों ने अपनी तजारत के मुनाफे की वजह से दरियाफ्त की। तो ताजिरों का जो एक कंट्रीब्यूशन है मतलब कि तारीख की दरियाफ्त के अंदर फिर इसकी वो वजाहत करते हैं। तीसरी फिर वो सोसाइटीज़ को देखते हैं कि हर सोसाइटी में नफ्सियाती मसाइल होते हैं, लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, ज़मीनों पे झगड़े क्यों होते हैं, जायदादों पे झगड़े क्यों होते हैं। इसलिए जैसे सोशलिज्म में उन्होंने कहा कि असल वजह जो है सोसाइटी में झगड़ों की वो जायदाद है, अगर निजी जायदाद के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत से झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक फ्रांसीसी था प्राउधन फलसफी, उसका कहना था कि निजी जायदाद के बारे में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ए थेफ्ट, ये निजी जायदाद जो है ये भी चोरी होती है, चोरी के जरिए बनाई जाती है, मेहनत के जरिए से नहीं बनाई जाती है। तो उनका ये था कि अगर निजी जायदाद के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए तो लोगों के बुनियादी माशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने तारीख को इस नुक्ते नज़र से देखना शुरू किया कि सोसाइटी के जो समाजी नफ्सियाती फलसफियाना या तालीमी मसाइल हैं हर दौर के, उनको किस तरीके से हर दौर में उनका हल किया गया है, हम उसकी रोशनी के अंदर मौजूदा ज़माने में उनको इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। ये तारीख का एक फ़ायदा था जिसको के मुर्रखीन ने इस्तेमाल किया कि तारीख से हमें सीखना चाहिए, सीखना ये चाहिए कि अगर जंग से नुकसान हैं तो अब जंग को बंद कर देना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। तालीम के अगर फ़ायदे हैं तो पूरी कौम को तालीम याफ्ता बनाना चाहिए, जहालत से दूर रहना चाहिए। तिजारत में अगर फ़ायदे हैं तो ताजिरों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, सनअतों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, कल्चर की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। ये हमें मतलब कि तारीख से सीखना चाहिए, जिन कौमों ने ये सीखा उन्होंने तरक्की की, जिन्होंने नहीं सीखा वो पसमानदा रहे। तो ये फिर ये तमाम नुकात जो हैं वो माजी से निकाल कर लाते हैं और तारीख को एक मुफीद इल्म के तौर पे पेश करते हैं। ये तारीख के ज़रिए से लोगों के अंदर एक सियासी शऊर जो है वो पैदा करना चाहिए, काम करने के जज्बा जो है वो पैदा करना चाहिए, अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत का जज्बा जो है वो पैदा करना चाहिए। अगर हमने ये सारा कुछ किया तो हम तारीख को मुफीद इल्म के तौर पर सोसाइटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि महज वाक़यात का पढ़ना जो है वो काफ़ी नहीं है बल्कि वाक़यात से सीखना चाहिए। इसलिए एक मौरख का कहना था कि जो कौमें तारीख से नहीं सीखती वो उन्हें तारीख को बार बार दोहराना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि बार बार फिर वो उन्हीं मराहिल से गुजरती हैं जिनसे पास के अंदर या माजी के अंदर वो गुजर चुकी थी, चूँकि उन्होंने कोई सबक जो है वो नहीं सीखा। तो ये तारीख के फवाइद हैं। तारीख को साइंस बनाए तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तारीख की तरतीब और मुनज़्ज़म करके और वाक़यात को एक शक्ल देकर उन वाक़यात से जो माजी के अंदर हुए हैं हाल के अंदर बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इससे अपने मुस्तकबिल को भी संवारा जा सकता है।